बड़वानी के ठीकरी में हुई एक महिला के साथ दुष्कर्म की घटना में पुलिस ने चार आरोपियों में से दो को गिरफ्तार किया है। घटना के बाद पकड़े आरोपियों की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक बड़वानी निमेश अग्रवाल ने बताया कि पकड़े गए दो लोगों से लूटी गई रकम भी जब्त हुई है। पुलिस ने इस अपराध में कुंतामाल निवासी 19 वर्षीय मोहित उर्फ मीठा राम पिता छोगालाल मेहता एवं 20 वर्षीय शिव राम पिता सलू अलावे को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि फरार दो आरोपियों को भी शीघ्र गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि 13 जुलाई को बरू फाटक होते हुए अपने गांव की तरफ जा रही एक महिला शौच के लिए बरू फाटक के पास नर्सरी में रुक गई थी एवं नर्सरी के अंदर जाने पर उसे चार लोगों ने पकड़ कर जहां उसके साथ रेप किया वहीं उसके पति के साथ मारपीट करते हुए उनसे 20,000 रुपए की राशि भी लूट ली थी। बड़वानी से जितेंद्र भवसार की रिपोर्ट। 13 तारीख को जुलवानिया और ठीकरी के बीच में बड़ू फाटक के नर्सरी के पास में हमें वहाँ से रिपोर्ट प्राप्त हुई कि एक महिला अपने पति के साथ में मोटरसाइकिल पर जा रहे थे और बीच में एक जगह रुके थे तो चार लोगों ने उनके रुपए छीने और बारी बारी से महिला के साथ में दुष्कर्म किया। इस सूचना के आधार पर हमारे पूरा जो वहाँ का मुखबिर तंत्र है उसको एक्टिवेट किया गया और जो महिला द्वारा जो पूरा चारों आरोपियों ने वीडियो बताया गया था पूरा उनके बारे में जो जानकारी दी गई थी उसके आधार पर जब उस इलाके के बदमाशों के बारे में पता किया गया तो उसके आधार पर हमने जो है दो लोगों को अरेस्ट किया है जिन्होंने महिला के साथ दुष्कर्म किया था। दो और लोग हैं उनकी तलाश की जा रही है। सर कौन थे लोग? ये वहीं पास के गाँव के रहने वाले व्यक्ति हैं और इसमें इनको दो काम में गिरफ्तार कर लिया। नहीं, इनका कोई पूर्व अपराध रिकॉर्ड नहीं है। पूछताछ में ये सामने आया है कि दो दिन पहले इन्होंने एक मोटरसाइकिल पे दो लोगों के साथ में लूट करने का प्रयास भी किया था जिसकी रिपोर्ट दो दिन पहले थाना जुलवानिया में कायम हुई है तो उस अपराध में भी इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। सर लूट का पैसा बरामद हो गया है? जो दो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनसे बरामद कर लिया गया बाकी अन्य शेष आरोप ये लगभग 7-8 लोगों का गैंग सामने आ रहा है जो वहाँ पे जो बरू फाटक का जो क्षेत्र है वहाँ पे थोड़ा सा जंगल है तो उस इलाके में रागिरों को जो साथ वारदात किया करता था। घटना के समय कोई योजना बना रहे थे या कुछ पूर्व से नियोजित घटना थी? ये वहाँ पे उसी इलाके में घूमते रहते थे और ये वेट करते थे कि जो ऐसा इलाका है सुनसान इलाका है वहाँ पर यदि कोई महिला रागिर आके कोई रुकता है तो फिर जो है उसको अपना निशाना बनाने का प्रयास करते हैं। सर इस घटना के बाद अब क्या वहाँ विशेष व्यवस्था की जाएगी चौकी की या जांच की या निरीक्षण की? वहाँ पे हमारे पेट्रोलिंग रहती है और इसमें जो है क्योंकि इसमें जो दंपति है वो थोड़ा सा अंदर गए थे जंगल के तो इस चक्कर में जो है ये बाहर सड़क से दिखाई नहीं दे पाए और निश्चित ही वहाँ पे और अधिक पेट्रोलिंग और करी जाएगी और आवश्यकता अनुसार चौकी भी स्थापित की। सर दो दिन बाद पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई क्या किस तरह का उनको भई था? नहीं, पीड़िता ने अगले दिन ही रिपोर्ट दर्ज कराई है। उस दिन जो है आरोपियों ने इनका पीछा करके इनको जो है इनके गांव तक छोड़ा था तो उस भय के डर से वो उस दिन उन्होंने रिपोर्ट नहीं करी थी। अगले दिन वो पुलिस के पास में आए थे।